आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है निक्षय मौर्य और आप सुन रहे हैं स्टारडम क्रॉनिकल्स विद योर स्टोरी टेलर निक्षय मौर्य। जब मिथुन को देखकर फिरोज खान ने कहा था, तुम हीरो नहीं विलन बनने के लायक भी नहीं हो। यह किस्सा उस समय का है जब मिथुन काम ढूंढने के लिए भटक रहे थे। फिरोज खान उस समय बड़े मशहूर एक्टर होने के साथ ही एक प्रोड्यूसर भी थे। उनकी फिल्में बहुत पसंद की जाती थी और वह अपनी फिल्मों में स्टार्स को चुन चुन कर लेते थे। अपनी अलग ही कहानी और अपने चुनाव के चलते फिरोज की फिल्में सुपरहिट हो जाती थीं। उस समय फिरोज खान कुर्बानी फिल्म बना रहे थे और फिल्म के लिए उन्हें एक दमदार अभिनेता चाहिए था। इस फिल्म के लिए उनकी पहली पसंद अमिताभ बच्चन थे। हालांकि अमिताभ ने इस फिल्म में काम करने से साफ इनकार कर दिया था। अमिताभ के मना करने से फिरोज का दिल टूट गया, लेकिन फिर भी वह अन्य बड़े बड़े अभिनेताओं से बात करने में लगे रहे। इस दौरान रणधीर कपूर ने उनसे बात की क्योंकि वह फिरोज के बहुत अच्छे दोस्त भी थे। हालांकि फिरोज उन्हें फिल्म में नहीं लेना चाहते थे, उन्होंने रणधीर को लेने से साफ मना कर दिया। उस दौरान फिरोज किसी नए चेहरे को भी तलाशने लगे। इसी बीच उनकी मिथुन से मुलाकात हुई। दरअसल फिरोज खान के भाई अकबर खान थे और अकबर ही मिथुन के दोस्त भी थे। जब फिरोज कुर्बानी फिल्म के लिए नए चेहरे की तलाश कर रहे थे, यह बात मिथुन को पता चली। मिथुन फिरोज के साथ काम करने के लिए बड़े उत्साहित थे और इसी के चलते उन्होंने अकबर से कहा कि वह अपने भाई से उनकी सिफारिश करे। यह जानने के बाद अकबर ने फिरोज से मिथुन की सिफारिश की और उन्हें लेकर भाई के ऑफिस पहुंचे। वहाँ पहले तो फिरोज ने मिथुन को ऊपर से नीचे तक देखा, उसके बाद वह काफी समय तक उन्हें घूरते रहे और फिर जोर जोर से हंसने लगे। उसके बाद फिरोज ने मिथुन से पूछा, तुम फिल्म करोगे? तो मिथुन ने फिरोज से कहा कि हाँ, मैं इस फिल्म का हिस्सा बनना चाहता हूँ। यह सुनकर फिरोज जोर जोर से हंसे और बोले, तुम हीरो क्या विलन बनने के लायक भी नहीं हो। जैसे ही मिथुन ने यह सुना, उनका दिल टूट गया और वो वहाँ से बिना कुछ कहे निकल गए। फिरोज ने ऐसा क्यों कहा कोई नहीं जानता। एक बार फिल्म मेकर ने 10 रुपए देकर निकाल दिया था बाहर। यह किस्सा उन दिनों का है जब मिथुन के पास गुजारा करने के लिए भी पैसे नहीं हुआ करते थे। अपने करियर के शुरुआती दिनों में मिथुन हर तरफ काम मांगने के लिए जा रहे थे। उस समय उन्हें जैसे ही पता चलता था कि कोई डायरेक्टर कोई प्रोड्यूसर नए चेहरे की तलाश में है, तो वो वहाँ पहुँच जाते थे और काम मांगने लगते थे। ऐसे में एक बार जब उन्हें पता चला कि फिल्म मेकर मनमोहन देसाई एक नए चेहरे की तलाश में हैं, तो मिथुन उनके ऑफिस पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने फिल्म मेकर मनमोहन देसाई से मुलाकात की और मिलते ही उन्होंने उनसे कहा कि मुझे कोई छोटा मोटा काम दे दीजिए। यह सुनते ही फिल्म मेकर मनमोहन देसाई ने पहले तो मिथुन को बहुत देर तक देखा और उसके बाद उन्होंने अपने पास से 10 रुपए निकालकर मिथुन को दे दिए और वहां से चले जाने को कहा। फिल्म मेकर मनमोहन देसाई की बात सुनकर मिथुन का दिल टूट गया और वो वहाँ से बिना कुछ कहे निकल गए। मिथुन को फिल्म मेकर मनमोहन देसाई का व्यवहार बहुत बुरा लगा, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने अभिनेता बनने के सपने को नहीं तोड़ा। मिथुन ने उस 10 रुपए मिलने के बाद यह सोचा कि वह एक सफल अभिनेता बनकर रहेंगे। एक और किस्सा है, एक बार एक एक्टर ने कहा था, काले रंग को अगर हीरो के लिए फिल्म मिल जाए तो मैं मुंबई छोड़ दूंगा। यह किस्सा भी उन्हीं दिनों का है जब मिथुन अपना करियर बनाने में लगे हुए थे। मिथुन जब शुरू में काम खोज रहे थे तब उनका रंग काफ़ी डार्क हुआ करता था। अब भी मिथुन के रंग में ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है। वैसे मिथुन ने यह बात साबित कर दी कि काम से नाम बनता है, रंग रूप से नहीं। जो किस्सा हम बताने जा रहे हैं वह मशहूर अभिनेता जितेंद्र से जुड़ा है। उस दौर में जितेंद्र काफ़ी मशहूर एक्टर थे और उन्होंने कई हिट फिल्मों में काम किया था। उसी दौरान मिथुन स्ट्रगल कर रहे थे। उस समय मिथुन कई निर्माता दफ्तर में काम मांगने के लिए पहुंचे थे, लेकिन कोई उन्हें काम देने के लिए तैयार ही नहीं था। उसी दौरान मिथुन रंग भेद का भी शिकार हुए थे। जी दरअसल उस दौर में एक बार मिथुन एक निर्माता के दफ्तर में काम मांगने के लिए पहुंचे थे। उसी दौरान जितेंद्र वहां मौजूद थे। इस बीच जब उन्हें पता चला कि मिथुन वहां काम मांगने के लिए आए हैं, तो उन्होंने कहा, इस काले को यदि हीरो के लिए फिल्म मिल जाए तो मैं मुंबई छोड़ दूंगा। उस समय मिथुन ने जब यह बात सुनी तो वह अपमान सहते हुए वहां से चुपचाप निकल गए। तो ऐसी थी मिथुन दा की स्ट्रगल की कहानी। ऐसी ही अनजानकारियों के लिए सुनते रहिए स्टारडम क्रॉनिकल्स विद निक्षय मौर्य। ऐसे किस्से यहाँ आते रहते हैं, हम सुनाते रहते हैं। हमारे पॉडकास्ट को लाइक करें, शेयर करें और
कमेंट बॉक्स खुला है, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। स्वागत है आपका, धन्यवाद।